इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कोरियोलिस फोर्स ऑन बॉडीज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन अर्थ सरफेस। अगर कोई बॉडी अंडर ग्रेविटी मोशन करती है या वर्टिकली फॉल करती है अर्थ सरफेस पर, तो उस पर कोरियोलिस फोर्स का क्या इफेक्ट होता है एंड कितना होता है। लास्ट लेक्चर में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अगर कोई बॉडी अर्थ सरफेस पर हॉरिजॉन्टली मूव करती है तब उस पर कितना फोर्स लगता है, और उस लेक्चर में हमने एंगुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर लिए थे जो इस लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो देख लेना। आइए समझते हैं जब कोई बॉडी अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल करती है या फिर वर्टिकली गिरती है नीचे की ओर आती है तब उस पर कोरियोलिस फोर्स का कितना इफेक्ट होता है। तो जैसे ही हम बात करते हैं अंडर ग्रेविटी की या वर्टिकली फॉलिंग की, तो हमने इसको जेड डायरेक्शन मान रखा है, कंसीडर कर रखा है, और ये कोऑर्डिनेट्स हमने लास्ट लेक्चर में ही डिफाइन कर दिए थे, उसी के बेस पर हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो आ जाएगी वी डैश वैक्टर इज इक्वल्स टू माइनस के वी डैश, यहाँ पर हो जाएगा ये के कैप डैश, ये वेलोसिटी होगी क्योंकि हमने वर्टिकल कंपोनेंट जेड मान रखा है और यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। इसको मान लेंगे इक्वेशन वन, और यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट होते हैं ये होते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा कोस लैम्डा जे डैश कैप प्लस यहाँ पर होता है ओमेगा साइन लैम्डा के डैश कैप। ये कहाँ से आ गए, तो इसको हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था डिटेल में, यानी कि ये रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम यानी कि अर्थ के एंगुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं, ये होता है वाई डायरेक्शन में और ये होता है जेड डायरेक्शन में, जे कैप डैश के कैप डैश, इसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम जानते हैं कोरियोलिस फोर्स होता है एफ सी इक्वल्स टू माइनस टू एम ओमेगा क्रॉस और ये हो जाएगा वी डैश वैक्टर, जहाँ पर एम होता है मास ऑफ द पार्टिकल यानी कि वो बॉडी और मास जो फॉल कर रहा है डाउनवर्ड नीचे गिर रहा है। अब हमारे पास में ओमेगा की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट कर दी थी, वी डैश यहाँ पर के कैप क्यों आया है, क्योंकि हमने वर्टिकल डायरेक्शन को जेड कंपोनेंट मान रखा है और जेड की डायरेक्शन होती है के कैप। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करने पर कितना आ जाएगा, ये माइनस के टू एम, ओमेगा की वैल्यू है ओमेगा कोस लैम्डा जे डैश कैप प्लस यहाँ पर हो जाएगी ओमेगा साइन लैम्डा और ये हो जाएगी के कैप डैश क्रॉस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के वी डैश के डैश कैप। अब जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है, और वेक्टर प्रोडक्ट के लिए अगर बात करते हैं के के क्रॉस क्या क्या होता है, जीरो होता है, जबकि जे क्रॉस क्या क्या होता है, आई, तो यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे के क्रॉस के जीरो, यानी कि ये वाली टर्म्स इसके लिए क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा ये कोस लैम्डा माइनस वी डैश और यहाँ पर हो जाएगा ये जे क्रॉस के यानी के आई कैप डैश। हम जानते हैं ये होता है जे क्रॉस के क्रॉस इज इक्वल्स टू आई डैश, और हम जानते हैं के कैप क्रॉस इज इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो होता है। ये वेक्टर लॉ है, इसी का यूज़ किया है, इसलिए ये वाली टर्म्स क्या हो जाएगी, इसके साथ में जीरो हो जाएगी। अब ये वाला माइनस इंटू ये वाला माइनस कैसे हो जाएगा, ये प्लस, तो ये आ जाएगा टू एम ओमेगा वी डैश और साथ में आ जाएगा ये कोस लैम्डा, इतना कोरियोलिस फोर्स लगेगा। और यहाँ पर डायरेक्शन क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्शन है आई डैश कैप, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान लो ये अर्थ सरफेस है और ये एच हाइट से कोई पार्टिकल फॉल किया गया छोड़ा गया है, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है एक्स डैश यानी कि ईस्ट, ये क्या है, ईस्ट डायरेक्शन है। तो आप यहां पर देख सकते हैं आई डैश कैप में यानी कि एक्स डैश डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स लगता है। इसका मतलब अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, कोरियोलिस फोर्स। और ये बॉडी कैसे जाएगी, ये बॉडी कुछ इस तरीके से जाएगी, यानी कि इतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा।
अगर बॉडी को यहाँ पर जाना चाहिए था तो कोरिओलिस फोर्स पॉजिटिव आई कैप डैश यानी कि एक्स डायरेक्शन में लगता है, तो बॉडी यहाँ पर ना जाकर थोड़ी डिस्प्लेस हो जाती है, ये एक्स डैश। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली कि ये एक्स डैश कितना होगा। अगर कोई बॉडी यहाँ से छोड़ी जाती है, फॉल की जाती है, तो उसको यहाँ पर जाना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू कोरिओलिस इफेक्ट या स्यूडो फोर्स इफेक्ट ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर क्या है, ये आई डैश कैप, और आई डैश कैप होती है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जिस बॉडी को यहाँ पर जाना चाहिए था वो बॉडी यहाँ पर जाती है, थोड़ी डिस्प्लेस हो जाती है एक्स। इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो ये क्या हो गया, कोरिओलिस फोर्स हो गया। यह कोरिओलिस फोर्स कहाँ पर लगता है, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगता है, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना होता है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से, ये होता है एफ इज इक्वल्स टू एम डी टू एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर। न्यूटन सेकंड लॉ इस वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा एम डी टू एक्स डैश अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर कितना है ये टू एम ओमेगा वी डैश कोस लैम्डा आई डैश कैप। अब आप यहाँ पर देखेंगे वी डैश क्या है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। अगर पार्टिकल अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा है तो अंडर ग्रेविटी के लिए वी डैश की वैल्यू होती है वी डैश इज इक्वल्स टू जी टी, जहाँ पर जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड टी होता है टाइम, यानी कि कितने टाइम में बॉडी एच हाइट से अर्थ सरफेस पर पहुँची। तो अंडर ग्रेविटी के लिए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जी टी हो जाएगी। इस तरीके से फ्री फॉल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी टू एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर, यहाँ पर डी टी स्क्वायर होता है इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा टू ओमेगा जी टी कोस लैम्डा आई डैश कैप। ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इतना एक्सेलरेशन यहाँ पर बॉडी पर लगता है। ये कैसे पता लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये आई कैप डैश है और आई कैप डैश एक्स डैश की डायरेक्शन है यानी कि ईस्ट की, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर एक्स डैश यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इस तरीके से डी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी। इस वाली टर्म्स को ऐसा लिख दिया, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेट कर सकते हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी इक्वल्स टू, इंटीग्रेट कर रहे हैं इस डी टी को इधर लेकर आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये टू ओमेगा जी कॉन्स्टेंट है, कोस लैम्डा भी क्या है कॉन्स्टेंट, टी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तभी आ जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, टू से टू भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और यहाँ पर आ जाएगा ये ओमेगा जी कोस लैम्डा टी स्क्वायर। ये क्या आ गई वेलोसिटी, यानी कि जिस वेलोसिटी से वो एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा ये वही वेलोसिटी है, लेकिन हमको निकालना है जब एच हाइट से कोई पार्टिकल अर्थ सरफेस पर पहुंचा तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स डैश। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर देंगे, ये आ जाएगा डी एक्स डैश इक्वल्स टू ओमेगा जी, ये हो जाएगा कोस लैम्डा, और यहाँ पर आई कैप डैश चलता रहेगा, आई कैप डैश ये कहीं नहीं जाएगा, कोस लैम्डा, और कितना हो जाएगा ये टी स्क्वायर डी टी। जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये ओमेगा जी कोस लैम्डा, यहाँ पर ये आई कैप डैश है, ये हो जाएगा टी क्यूब बाई थ्री, ये हो जाएगा एक्स डैश। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नहीं किया है, वो साइज इंटीग्रेशन क्या है, यानी कि एक्स डैश कितना होगा, तो ये वाला एक्स डैश होगा। अगर कोई बॉडी एच हाइट से फॉल की है तो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होता है एक्स डैश, ये उसी की वैल्यू है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। अब हम यहाँ पर कर सकते हैं, अगर फ्री फॉल की बात करते हैं तो एच हाइट के लिए फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बट यहाँ पर फ्री फॉल की बात कर रहे हैं तो यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा, यहाँ पर आ जाएगा एच इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, या फिर यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं तो कितना आ जाएगा ये, यह आ जाएगा टी इज इक्वल्स टू टू एच अपॉन जी अंडर रूट।
आप यहाँ पर देखेंगे टी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2h अपॉन जी, और ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स डैश इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हो जाएगा ओमेगा जी, और साथ में हो जाएगा यहाँ पर ये आयोटा कैप साथ चल रहा है, कितना हो जाएगा ये कोस लैम्डा। अब यहाँ पर देखेंगे टी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आ जाएगा टी की वैल्यू हमारे पास में ये रही तो आ जाएगा 2h अपॉन जी, और यहाँ पर आ जाएगा ये अंडर रूट, और साथ में क्या है यहाँ पर टी की पावर 3 है और पूरे के अपॉन में क्या है 3, ये वाला 3। तो दोस्तों यही डिस्प्लेसमेंट होगा, या फिर इसको एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स डैश इज इक्वल्स टू 1/3, ये हो जाएगा ओमेगा जी कोस लैम्डा, आई कैप डायरेक्शन फिक्स है यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर कितना है, तो ये हो जाएगा 2h अपॉन जी, और आ जाएगा ये अंडर रूट 2h अपॉन जी, क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी हो गई 3/2, और 3/2 को हम लिख सकते हैं देखेंगे रूट की पावर 1/2 3/2, तो 3/2 इक्वल होता है 1+1/2, तो यहाँ पर एक की पावर बन गई 1, एक की पावर बन गई 2h अपॉन जी, और यही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। एक बार रिपीट कर देते हैं, जब कोई बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करती है नीचे गिरती है तो उस पर कोरिलस फोर्स लगता है, और कहाँ पर लगता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये वाली इक्वेशन बताती है, और जब फोर्स लगता है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, अगर उसको सीधा जाना चाहिए था तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है ड्यू टू कोरिलस फोर्स या फिर सीडो फोर्स। अभी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक्स डैश हम इजीली कैलकुलेट कर पाए। दोस्तों इस तरीके से हम मैकेनिक्स सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो हमारी इस लेक्चर सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।